चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपकी एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 11वीं की, जो आपकी राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड बुक्स है। पहली बुक्स हम लोग कवर कर चुके हैं जिसका नाम था राजनीतिक सिद्धांत, ये दूसरी बुक्स है। क्या नाम है इसका? भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसके हम लोग क्या किए, चार चैप्टर अभी तक खत्म कर चुके हैं। आज बात करेंगे हम लोग विधायिका के बारे में, ये इस किताब का पांचवा चैप्टर है। इससे पहले आपको बता दूं कि हम लोग कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक की वो सभी बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं जो आपके स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विस के लिए महत्वपूर्ण है। और याद रखिए, मुझे लगता है कि आप लोग सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए जरूरी नहीं है एनसीईआरटी। अगर आप भारत में रह रहे हैं और भारत की राजनीति में थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, विधायिका क्या है, आगे हमारे यहाँ के चुनाव कैसे होते हैं, राजनीति किस तरह से चलती है हमारे यहाँ, आप समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए, हम लोग विधायिका के बारे में आज बड़े विस्तार से बात करते हैं और अगली क्लास में हम लोग न्यायपालिका के बारे में जान लेंगे। वैसे एक सामान्य जानकारी अगर आपको बताऊं कि विधायिका क्या होती है, तो आप सभी जानते हैं विधायिका का सीधा सा मतलब है कि विधि या कानून बनाने का काम जहां होता है उन्हीं को विधायिका कह देते हैं। जैसे राज्यों में आपने देखा होगा विधानमंडल भी होता है, और कई कई राज्यों में, किसी किसी में आप देखते होंगे कि विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होता है, जिसे आप लोग विधानमंडल कह देते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखते होंगे कि केंद्र सरकार में आपको संसद एक देखने को मिलेगी, उसमें आपको लोकसभा सदस्य देखने को मिलेंगे, राज्यसभा सदस्य देखने को मिलेंगे, समझ रहे हैं आप लोग। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जब राज्यसभा लोकसभा में कोई विधेयक, कोई भी प्रस्ताव आता है, तो उसे क्या कहते हैं, विधेयक। और जैसे ही वो राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, उस पर क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो इसी तरह की, इसी विधि बनाने की बात की जा रही है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या काम करती है, एक तरह से इसे लागू करवाने का काम करती है। न्यायपालिका का तो सीधा सा मतलब आप जानते ही हैं कि आप सभी को न्याय दिलाने का या दिलवाने का काम करती है एक तरह से। चलिए, पहले हम लोग विधायिका के बारे में आज बात करते हैं बड़े विस्तार से। हम भारत में चुनाव का महत्व और चुनाव के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन पिछले अध्यायों में कर चुके हैं। विधायिका जनता द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम भी करती है। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि निर्वाचित विधायिका कैसे काम करती है और लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने में कैसे मदद करती है। आप भारत में संसद और राज्यों की विधायिकाओं की संरचना और कार्यों तथा लोकतांत्रिक शासन में उनके महत्व का अध्ययन भी करेंगे। इस अध्याय को आपको अध्याय में आपको निम्नलिखित बातों की जानकारी होगी। कहने का मतलब है कि इस अध्याय को आप पढ़ने के बाद बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी हो जाएंगी। जैसे विधायिका का क्या महत्व है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये विधायिका है, इसका क्या आपके लिए महत्व है या किस लिए बनाई गई है। फिर आपका है संसद के कार्य और शक्तियों के बारे में आपको मालूम चलेगा। कानून कैसे बनता है ये भी मालूम चलेगा। संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है ये भी मालूम चलेगा। संसद अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है ये भी मालूम चलेगा। आप लोग सुनते रहते होंगे ना कि एक कानून आए हुए हैं, वो कानून आए हुए हैं, तो ये कानून बनते कैसे हैं आके, इसके बारे में आप लोगों को बड़े विस्तार से मालूम चलेगा, ठीक है। और याद रखिए, मुझे नहीं लगता है कि एनसीईआरटी में कोई एक ऐसा शब्द आप बता दें जो आपको समझ में ना आए। बस आपको बड़े धैर्य के साथ पढ़ना है या सुनना है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बस आपको बड़े धैर्य रखना है, और जिंदगी में धैर्य रखना बहुत बड़ी बात होती है। हमें संसद क्यों चाहिए आखिर? विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, और इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से कानून बनाना भी एक काम है। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं आपको। सदन में बहस, बहिर्गमन, विरोध, प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार, सहयोग आदि इसे अत्यंत जीवंत रखते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यह वास्तव में प्रतिनिधि निधि लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? जब आपकी बात को कोई जाके उठाए, वहां आपकी बातों का, जो भी आपकी समस्या है उनका समाधान किया जाए। आप समझते होंगे, कई बार आप देखते होंगे लोकसभा और राज्यसभा में किस तरह से हंगामा होता है, एक तरह से लड़ते हुए दिखाई देते हैं, बहस होती है। जब कोई नियम आ रहा है, कानून आ रहा है, तो आप समझेंगे कि आपने जिसे प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना चुना है, जैसे लोकसभा में आप लोग लोकसभा सदस्य को चुनते हैं ना,
तो जैसे ये आपकी समस्याओं को वहां उजागर करेगा, दूसरे क्षेत्र का आएगा वो वहां उस क्षेत्र में जो भी समस्याएं होगी उन्हें उजागर करेगा, उन्हें रखेगा, उनके समाधान की बात करेगा। जैसे आप समझिए कि हमारे भारत को एक बार आप लोग देखिए, आप समझिए ये है हमारा प्यारा एशिया और इसमें आपका प्यारा, ये है हमारा प्यारा इंडिया। आप समझिए कि पूर्वी भारत की समस्याएं अलग हैं, दक्षिण भारत की समस्याएं, ये दक्षिण भारत है, यहाँ कुछ समस्याएं अलग हैं, और यहाँ पश्चिम भारत की समस्याएं कुछ और हैं, उत्तर भारत की समस्याएं कुछ और हैं, हर जगह की समस्याएं कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप की हैं। तो आपने देखा होगा पूरे भारत से आपके लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं और सभी आकर आपके न्यू दिल्ली यानी कि संसद में बैठते हैं, बहस करते हैं, कानून बनाने की बात करते हैं, फिर अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं, वहां सबको जानकारी देते हैं, सभी की समस्याओं को सुनते हैं, तब एक तरह से हमारे देश की सभी की समस्याओं को केंद्र में लाया जाता है। ठीक है, इसके बावजूद अधिकांश लोकतंत्रों में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिका अपने मत खुद दी जाती रही है। भारत में भी मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है, शासन का एजेंडा तय करता है और उसे लागू करता है। इससे कुछ आलोचकों को यह कहने का मौका मिल गया कि संसद का ह्रास हो गया है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। एक सशक्त नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है और संसद को अपने जवाबों से संतुष्ट करना पड़ता है। यह है हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है और अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधिक है, और फिर इसके पास सरकार कार्यपालिका का चयन करने और उससे बर्खास्त करने की शक्ति भी है। और याद रखिए, जब एक तरह से आप समझिए कि संसद में बहस होती है, तो आप समझिए कि जब अगर सरकार जनता के पक्ष में यानी कि जनता के हित में काम नहीं करती है, तो आपके पास अगली 5 वर्ष के बाद मौका आता है और आप उसको हटा देते हैं, उस सरकार को एक तरह से हरा देते हैं। कई बार आप लोगों ने ऐसा किया भी है, समझ रहे हैं आप। तो आप लोगों के प्रति एक तरह से वफादार कह लीजिए, फिर चाहे आप जवाबदेही कर लीजिए, जो भी कहना हो, होती है सरकार। इन समाचारों पर विचार करें वो यह सोचे कि यह विधायिका ना होती तो क्या होता। प्रत्येक रिपोर्ट को पढ़ने के बाद बताएं कि कैसे कार्यपालिका को नियंत्रित करने में विधायिका का सफल या असफल रही है। 28 फरवरी 2002, केंद्रीय वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने केंद्रीय बजट प्रस्तावों में 50 किलोग्राम यूरिया खाद की बोरी की कीमत 12 रुपए बढ़ाने और दो अन्य खादों के दामों में भी कुछ वृद्धि करने के प्रस्ताव की घोषणा की। इससे खाद के दामों में 5% वृद्धि हुई। यूरिया खाद के वर्तमान मूल्य 4830 यानी कि 4830 रुपए प्रति क्विंटल पर 80% सब्सिडी है। एक बात और आपको बताऊं, आपने देखा होगा 3 कृषि कानून आए हुए हैं तो सरकार ले आई, लेकिन विपक्ष ने किस तरह से हंगामा किया। अगर आप सोचिए कि इस तरह की बहस करने की कोई प्रक्रिया ना होती, ऐसा कोई मंच ना होता, तब किसी के हितों की कोई परवाह की जाती? कोई नहीं की जाती। 11 मार्च 2002 को विपक्ष के जबरदस्त विरोध के कारण वित्त मंत्री को खाद में दामों की वृद्धि के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। अब देखिए आपके ये कानून वापस होते हैं या नहीं होते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आपने देखा होगा कि काफी विरोध प्रदर्शन चल रहा है इस पर, समझ रहे हैं आप लोग। और अगर सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार कह दे कि चलिए कल से इस पर दाम बढ़ा देते हैं, अगर विरोध में कोई ना कहे तो सरकार मनमानी एक तरह से तानाशाही का काम करेगी। राजाओं महाराजाओं को आप लोगों ने सुना होगा ना कि राजा साहब ने जो भी फैसला कर दिया वही जनता ने मान लिया, उस समय विरोध कर भी नहीं कर सकता था कोई। अब जनता के हित में है या नहीं है, जनता के लिए एक तरह से बुरा है अच्छा है, इससे कोई मतलब नहीं रहता था। उन्हें तो प्रस्ताव एक तरह से लागू करना आता था, कोई भी निर्णय है लागू कर दिया। तो लोकतंत्र का असली मतलब यही है, लोगों का शासन, राजतंत्र या फिर प्रजातंत्र कह लीजिए, राजा का शासन राजतंत्र में हो गया, उसमें जनता की कोई भागीदारी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन प्रजातंत्र में आप देखते होंगे कि आपके पास चुनाव यानी कि वोट देने का अधिकार है, और जब आपका विधायक साहब आपके काम नहीं करते हैं तो कई बार आप उसे मुंह की खा खिला देते हैं यानी कि हरा देते हैं। तो एक तरह से आपके जो भी हैं विधायक साहब आपके आते रहते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। अगर आप सोचिए चुनाव ना होता तब क्या स्थिति होती हमारे भारत की। पर एक घटना है, 4 जून 1998 को लोकसभा में यूरिया खाद और पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि को लेकर विवादास्पद स्थिति बन गई। पूर्व विपक्ष ने सदन में बहिर्गमन किया और इस मुद्दे पर सदन में 2 दिनों तक गर्मी गर्मी गर्मा गर्मी रही। वित्त मंत्री ने अपने बजट प्रस्ताव में यूरिया खाद के दामों में मात्र 50%
पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि का प्रस्ताव किया था जिससे उस पर सब्सिडी कम की जा सके। इस विरोध के परिणाम स्वरूप वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को मूल वृद्धि के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। आप समझिए, अगर ये तीन कृषि कानून आए हुए हैं, इस पर अगर इतना पूरा विपक्ष हंगामा करता है, किसान हंगामा करते हैं, तो सरकार विवश हो जाएगी वापस लेने के लिए। अभी आपने देखा होगा केवल किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसमें विपक्ष रोल नहीं निभा रहा है खुलकर। इनडायरेक्ट हो सकता है मदद कर रहा हो, लेकिन डायरेक्ट अभी मदद करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। जिस दिन पूरा विपक्ष एक होकर रोड पर उतर जाएगा, उस दिन सरकार को लेना होगा। सरकार कितनी भी मजबूत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं आप लोग? समय समय पर ऐसे देखने को भी मिले हैं। फिर आप देखेंगे 22 फरवरी 1983 की एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आज लोकसभा ने सर्वसम्मति से सरकारी कामकाज को स्थगित करने और असम पर बहस को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। गृह मंत्री पीसी सेठी ने बयान दिया कि असम में रहने वाले सभी समुदाय और समूह को के बीच सद्भाव कायम करने के लिए अलग अलग विचार और नीतियों से प्रतिबद्धता रखने वाले आप सभी सदस्यों का सहयोग चाहता हूं। यह समय विवाद का नहीं वरन घाव पर मरहम लगाने का है। लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों ने आंध्र प्रदेश में हरिजनों के उत्पीड़न के प्रति विरोध भी जताया। इस तरह की बहस भी होती रहती है। अब बात करते हैं संसद में दो सदनों की क्या आवश्यकता होती है। आखिर आप देखते हैं ना कि संसद में दो सदन है, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। राज्य यहाँ लोकसभा की बात करें तो आपके द्वारा चुने जाते हैं, डायरेक्ट जनता के द्वारा, और जो राज्यसभा होती है तो इनके सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं, जो विधायक होते हैं ना आपके, जिन्हें आप लोग एमएलए भी कह देते हैं, उनके द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिए आप लोग। और एक बात याद रखिए आप लोग, आपके राज्यसभा में 245 सीटें हैं और उसमें 543 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा में हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है और राज्यों की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं आप लोग। भारतीय संसद में दो सदन होते हैं। जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा कहते हैं, दूसरे को आप लोग लोकसभा कहते हैं। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या फिर द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। अब केवल 7 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका रह गई है। अब 7 में रह गई, 7 में नहीं, अब 6 में रह गई है। क्यों रह गई है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर को आपने देखा है कि दो भागों में बांट दिया गया है, आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो यहां से भी खत्म हो चुकी है। ठीक है, विविधताओं से परिपूर्ण बड़े देश प्रयास द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों या भागों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें। द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ है, यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। एक सदन द्वारा लिया गया कोई निर्णय प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन के निर्णय के लिए भेजा जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार विमर्श होता है और इससे हर मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका भी मिलता है। यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो दूसरे सदन में बहस और के दौरान उस पर विचार संभव हो पाता है। पुनर्विचार क्या हो पाता है, संभव हो पाता है। एक बात और बताऊं आप लोगों को, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं इन्हें आप लोग जरूर याद रखिए क्योंकि डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आखिर हमें द्विसदनात्मक व्यवस्था की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है। तो आप इन पॉइंटों को नीचे लिख सकते हैं आंसर में, या कहीं आपको मौखिक आंसर पूछा जा रहा है तब भी आप इनका क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए यहां बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर से हटा दी गई है आपकी विधान परिषद। ठीक है, अब आपकी बिहार में बची हुई, उत्तर प्रदेश में बची हुई, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन 6 को याद रखिए आप लोग। ठीक है, और एक बात और बता दूं यहां सभी राज्यों को आप लोग कंठस्थ याद रख लीजिए। जिस तरह से आपने देखा होगा कोई आरती रख लेते हैं या हनुमान चालीसा रख लेते हैं आप लोग, तो इन सभी को याद रख लीजिए। किन राज्यों की सीमा किन देशों से लग रही है, एक राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है, आप समझ रहे हैं। कई बार आपका पूछ लेता है मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, स्टेट पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे ये है आपका मध्य प्रदेश, देखिए आप लोग महाराष्ट्र से लग रही, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और यहाँ छत्तीसगढ़ से, ठीक है, 5 राज्यों से लग रही है। इस तरह आप देखते हैं पाकिस्तान से कौन कौन किस किस राज्य की लग सकती लग रही है, चीन से, बांग्लादेश से, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इस तरह से आप लोग जरूर याद रखा करिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर से हटा दी गई है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, 6 में रह गई है। ठीक है, याद रखिए। उच्च सदन पुनर्विचार करने की उपयोगी उपयोगी काम को अंजाम दे सकता है और इसके विचारों का तो महत्व हो सकता है पर मतों का नहीं। जो लोग सक्रिय राजनीति की उठापटक से दूर हैं
भी निचले सदन की सलाह दे सकते हैं। और एक बात और याद रखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग राज्यसभा की। संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। जैसे मैं बात आप लोगों के कैसे समझाऊं कि जो राज्यसभा है इसके सदस्यों को आप लोग कैसे चुनते हैं, आप लोगों के द्वारा जो एमएलए है जिसे आप लोग विधायक कहते हैं सामान्यतः, वही इनका निर्वाचन करता है, इन्हें चुनता है। एक पॉइंट वाइज इसमें याद रखना है आपको कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं या राज्यसभा होती है ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिए। फिर आप देखते हैं द्वितीय सदन भी कहते हैं आप लोग, तो राज्यसभा को क्या कहते हैं, दूसरा सदन भी कहते हैं, ठीक है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए दो सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। एक तरीका यह हो सकता है कि देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए, अर्थात द्वितीय सदन में ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज्यादा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। आप लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, 31 सीटें दी गई हैं उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में। अमेरिका में द्वितीय सदन को आप लोग सीनेट के नाम से जानते हैं, इसमें प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसमें अमेरिका में जनसंख्या का कोई आधार नहीं रखा गया है, वहां जितने राज्य हैं 50 राज्य हैं तो सभी को समान समान दी गई हैं सीटें। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य में अधिक जनसंख्या है तो उन्हें अधिक सीटें दी गई हैं, लेकिन हमारे देश में आप लोग देखते होंगे कि अधिक जनसंख्या है अधिक सीटें आपको दी गई हैं। यह सभी राज्यों में समानता स्थापित करता है, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। और हमारी राज्यसभा की लिए इस अमेरिकी प्रतिनिधित्व प्रणाली से अलग तरीका अपनाया गया है। संविधान की चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। ये भी कई बार डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन जाता है कि जो राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या जो भी रहती है इन्हें किस अनुसूची के तहत निर्धारित किया गया है। तो याद रखिए फोर्थ नंबर की जो आपकी अनुसूची है ना, चौथी अनुसूची, उसी में ये बात कही गई है। यदि हम राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका की समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग करें तो क्या होगा, तो 1998.12 लाख यानी कि लगभग 19.98 करोड़ जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 6.10 लाख जनसंख्या वाले सिक्किम के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। संविधान निर्माता ऐसी विसंगति से बचना चाहते थे और यहाँ ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया। इस प्रकार ज्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 31 और छोटे और कम जनसंख्या वाले सिक्किम को राज्यसभा में एक सीट दी गई है। और ये सही बात भी है, आपको सोच के देखिए आप लोग कि अधिक जनसंख्या जहां है आप उसके साथ भी वही व्यवहार कर रहे हैं जो कम जनसंख्या वाले राज्य के साथ कर रहे हैं। ये तो एक तरह से आप कहेंगे कि असमानता है। आप समझिए कि किसी स्कूल में 100 बच्चे हैं वहां भी आप लोगों ने एक टीचर रखा हुआ है, और जहां 10 बच्चे हैं वहां भी आप लोगों ने एक टीचर रखा हुआ है, तो ये तो असमानता है ना। कम से कम आप 10 से 100 बच्चे हैं यहाँ तो 10 टीचर रख सकते हैं ना, एक तरह से उनके एक तरह से सभी के साथ समान भेदभाव ना किया जाए, कोई भेदभाव ना किया जाए, बर्ताव किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जनसंख्या के हिसाब से एक तरह से सीटों का बंटवारा किया हुआ है। जहां अधिक जनसंख्या है वहां अधिक प्रतिनिधित्व की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इनकी सदस्यों की जरूरत पड़ेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके वहां की समस्याएं जो भी है, ठीक है, जो भी मुद्दे हैं वहां के। राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। और याद रखिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती है, आपने देखा होगा कि हमेशा ये रहती है। उन्हें दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और इन 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। इस तरह राज्यसभा कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होती है, अतः इसे संसद के स्थायी सदन के रूप में आप लोग जानते हैं। और याद रखिए 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में आपके इसमें क्या होते हैं, हटते रहते हैं, उनका कार्यकाल पूरा होता रहता है। तो इस बात को भी आप लोग बड़े अच्छे से याद रख लीजिए, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। इस व्यवस्था का लाभ यह है कि जब लोकसभा भंग होती है और चुनाव होने बाकी होते हैं तब राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है और जरूरी जो भी मामले हैं उनका निपटारा किया जा सकता है। निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त राज्यसभा में आपके 12 मनोनीत सदस्य होते हैं,
जिन्हें आप देखेंगे साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। आप सभी को मालूम है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये किन किन क्षेत्रों से होते हैं, इन्हें जरूर याद रखिए, कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं इस तरह के। तो ये साहित्य से भी हो सकते हैं आपके, विज्ञान से भी हो सकते हैं, कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र से हो सकते हैं। ठीक है, इन्हें कौन एक तरह से चुनता है, यानी कि कहने का मतलब है कि कौन मनोनीत करता है, तो इन्हें करते हैं प्रेसिडेंट, मतलब हमारे राष्ट्रपति साहब, प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, याद रखिए इसे, इस पॉइंट को। यहां कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। जर्मनी में दो ही सदनात्मकता क्या है आके, जर्मनी में विधायिका विधायिका दो सदनात्मक है, दोनों सदनों को बुंदे स्टेट फेडरल असेंबली और बुंदेस रेट फेडरल काउंसिल कहते हैं। असेंबली का चुनाव प्रत्यक्ष और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एक मिलीजुली जटिल प्रक्रिया से 4 वर्ष के लिए होता है। जर्मनी के 16 संघीय राज्यों को फेडरल काउंसिल में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और बुंदेस रेट की 69 सीटें राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में बांट दी गई है। ये सभी सदस्य सामान्य रूप से राज्य सरकार में मंत्री होते हैं और उनका चुनाव नहीं होता है, वरन वे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जर्मनी के कानून के अनुसार इन सभी सदस्यों को एक टीम की भांति अपने राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार वोट देना होता है। कभी कभी राज्यों में गठबंधन सरकार होने पर इन सदस्यों में सहमति नहीं बन पाती है, तब भी मतदान में भाग नहीं ले पाते हैं। बुंदेस रेट सभी कानूनी प्रस्ताव पर मतदान नहीं करते हैं, लेकिन वे सभी नीतिगत मुद्दे जिन पर संघीय राज्यों को संवर्ती शक्तियां प्राप्त होती हैं और जिन विषयों में संघीय निर्देशों को लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर हो, वे सभी मुद्दे बुंदेस रेट द्वारा पारित होने चाहिए। बुंदेस रेट ऐसे विधेयकों को वीटो भी कर सकती है। ठीक है, तो ये तो क्या है, जर्मनी का मामला है। कहाँ का है, जर्मनी का है। हमारे यहाँ भी यही व्यवस्था है लगभग, किस तरह से यही कह सकते हैं आप लोग। इस तरह से आप कह सकते हैं कि आप देखते होंगे कि एक तरफ आपका लोकसभा हो गया, दूसरी तरफ आपका राज्यसभा हो गया, यानी कि दो सदनात्मक व्यवस्था हमारे यहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कहा जा रहा है, विभिन्न राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या का पता लगाएं। एक चार्ट बनाकर 2011 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य की जनसंख्या, उस राज्यों से निर्वाचित राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दिखाएं। आप लोग अपने अपने राज्यों की बताइए, आप लोग नीचे भी आप लोग लिख सकते हैं कि आपके राज्य में कितनी है सीटें, कितनी राज्यसभा सीटें हैं, कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी आपकी विधानसभा सीटें हैं, और विधान परिषद है तो उसकी भी आप लोग संख्या नीचे लिखिए। मुझे लगता है कि इतनी तो सामान्य जानकारी वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और आपके दोनों की बता भी चुका हूं मैं, तो लोकसभा और राज्यसभा की तो बता ही चुका हूं कि टोटल कितनी है, उसमें से अपने अपने राज्यों की आप लोग नीचे लिख सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि खिलाड़ी, कलाकार और वैज्ञानिकों को मनोनीत करने का प्रावधान क्यों है, वे किसका प्रतिनिधित्व करते हैं और क्या वे वास्तव में राज्यसभा की कार्यवाही में कुछ खास योगदान दे पाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, देखिए राज्यसभा का महत्व यही इसलिए होता है कि जैसे इसमें कई जगह से आप लोग समझिए, लोकसभा में कोई योग्यता की जरूरत नहीं है ज्यादा। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखते होंगे कि कोई 10वीं पास है, कोई 8वीं पास है, वो भी लोकसभा में पहुंच जाता है। राज्यसभा में एक तरह से निर्देश आप कहिए कि जरूरी नहीं है, लेकिन यही सोचकर मुझे लगता है कि रखा गया होगा इसका प्रावधान, कि जैसे आप समझिए कि कोई वैज्ञानिक है, कोई अर्थशास्त्री है, कोई इतिहासकार है, उनको भी इसमें जगह मिले, और आप समझिए कि एक में विशेषज्ञता हासिल किए हुए सदस्य होंगे तो कम से कम देश को काफी अच्छी नई दिशा दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो ये 12 सदस्य चुने जाते हैं इसी उद्देश्य से चुने जाते होंगे। ठीक है, दूसरा आता है आपका लोकसभा। लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है और इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। आप लोग चुनते हैं ना कि लोकसभा के सदस्य के लिए आप लोग चुनाव कर रहे हैं, फिर आज लोग राज्य विधानसभाओं के लिए एमएलए के लिए चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को और विधानसभा चुनाव के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। कहने का मतलब है कि अगर 18 साल के आप लोग हो चुके हैं तो आप वोट डाल सकते हैं, यानी कि इन्हें चुनने में आप लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। कहने का सीधा सा मतलब है कि आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप शिक्षित हैं, आप अशिक्षित हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, किसी भी जेंडर से हैं, किसी भी कास्ट से हैं, ये मायने नहीं रखता है।
आपके वोट की भी वही कीमत है जो मुकेश अंबानी के वोट की कीमत है। आप पुरुष हैं या महिला हैं इससे कोई मतलब नहीं है, आपके वोट की कीमत वही है जो सामने वाले के वोट की कीमत है। इस समय लोकसभा के सदस्यों की संख्या आप लोग 543 देखते हैं, यह संख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है। इसीलिए आपने देखा होगा समय समय पर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट भी आती रहती है, कई बार विवाद भी बना रहता है कि आप समझिए कि 1971 में जनसंख्या अलग थी और आज जनसंख्या अलग है, लेकिन हम लोग चुनाव किस तरह से करवा रहे हैं उसी 1971 की प्रणाली के अनुसार। क्यों 543 हम लोगों ने सीटें बांट दी हैं, वही 543 सदस्य इन सभी जनसंख्या का नेतृत्व कर रहे हैं। अब देखिए जनसंख्या बदल चुकी है तो मुझे लगता है कि सीटें और बढ़ जाने चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन देखते हैं कि 2026 तक क्या होता है। लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन यदि कोई दल या दलों के गठबंधन का सरकार ना बना सके अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने कर नए चुनाव कराने की सलाह दे तो लोकसभा को 5 वर्ष के पहले भी भंग किया जा सकता है। राज्यसभा आपका स्थायी सदस्य है, लेकिन लोकसभा कभी भी भंग की जा सकती है। या आप देखते होंगे कि कोई सदस्य की डेथ हो जाती है या वो इस्तीफा दे देता है, इस्तीफा, तो तब वो 6 महीने के अंदर चुनाव होता है, वहां देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, कहां से क्या पहुंचे आप लोग? क्या आप मानते हैं कि राज्यसभा की संरचना ने भारत में राज्यों की स्थिति को संरक्षित किया है? क्या राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव पर प्रत्यक्ष होने चाहिए थे? इससे क्या फायदा या नुकसान होगा? 1971 की जनगणना से लोकसभा में सीटों की संख्या नहीं बढ़ी, क्या आप मानते हैं कि इसे बढ़ाना चाहिए? इसके लिए क्या आधार होना चाहिए? एक बात और आपको बताऊं, वहां भी आप लोगों ने देखा था जब आप लोगों ने कार्यपालिका को पढ़ा था, उस समय भी आप लोग के मन में यही विचार था कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रधानमंत्री की तरह डायरेक्ट क्यों नहीं हो सकता है। तो आप समझिए दो शक्तियां हो जाएंगी, केंद्र में दो शक्ति हो गई। आप समझिए कि अब एक बीजेपी का हो गया, दूसरी तरफ कांग्रेस का, तो इस पर हमेशा टकराव रहेगा, रहेगा या नहीं? इसी तरह मुझे लगता है कि जब राज्यसभा या राज्यसभा और लोकसभा की चुनाव डायरेक्ट होने लगती तो इनमें भी क्रैश होने लगता। कहने का मतलब है कि इनमें भी टकराव होने लगता। तो इसलिए काफी बैलेंस बनाने के लिए हमारे जो भी संविधान निर्माता रहे हैं उन्होंने काफी सोच समझ के व्यवस्था की होगी। ठीक है, ये सही है कि अब सीटों का निर्धारण नई जनसंख्या के हिसाब से हो जाना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, समझ रहे हैं आप लोग। और आप, मैंने बताया ना कि आप अगर 100 बच्चे हैं तो उन्हें आप पुराने पैटर्न पर नहीं पढ़ा सकते हैं कि वही आप लोगों ने एक टीचर रख दिया 100 बच्चों के लिए। आज की परिस्थिति के अनुसार आपको बदलना होगा एक तरह से। अब बात करते हैं संसद क्या करती है आखिर, विधायिकाओं के क्या कार्य होते हैं, क्या संसद के दोनों सदनों के कार्य समान है, क्या दोनों सदनों की शक्तियों में कोई फर्क है? कानून बनाने के अतिरिक्त संसद के अन्य कार्य भी हम लोग देखते हैं, आइए इन कार्यों की सूची बनाए। कई बार आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि राज्यसभा और लोकसभा आपके बराबर है, दोनों के पास बराबर शक्तियां हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे बड़े विस्तार से देखते हैं। विधायी कामकाज, संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है, कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्रायः कानून को केवल स्वीकृति देने देने मात्र का काम करती है। विधेयकों और को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकर सहायक करते हैं, यानी कि नौकर सही आपके सिविल सेवक जो भी होते हैं। विधेयक का उद्देश्य और संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है, कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जाता है। संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर बिना सरकार के समर्थन के ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं होता है। देखिए विधेयक कोई भी ला सकता है, आप पक्ष के हैं यानी कि बीजेपी है के हैं, कांग्रेस के हैं, किसी भी पार्टी के हैं, लेकिन आप देखते होंगे आपके पास अगर बहुमत है तभी वो पास हो सकता है, समझ गए आप लोग। और एक बात और याद रखिए, ये विधेयक जो भी होती है, योजनाएं जो भी होती है, आप लोग जैसे सिविल सेवक मतलब एक तरह से सिविल सर्वेंट बनेंगे आगे चल के, सिविल सेवा में चुने जाएंगे, या फिर मतलब कहने का मतलब है मेरा कि राज्यों में आप लोग स्टेट पीसीएस में चुने जाते हैं, एक सभी आप ही काम करते हैं, नाम हो जाता है नेताओं का लेकिन काम रहता है आप लोगों का। कार्यपालिका पर नियंत्रण और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखने तथा जनता जिसे उसने चुना है कि प्रतिनिधि के प्रति उसका दायित्व सुनिश्चित करना है। इस अध्याय में आगे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे इसका। वित्तीय कार्य की बात करें तो सरकार बहुत से काम करने पड़ते हैं और इन कामों पर धन खर्च होता है, और यह धन कहाँ से आता है? प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है,
लेकिन लोकतंत्र में संसद कराधान या सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। यदि भारत सरकार कोई नया कर प्रस्ताव लाए तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। संसद की वित्तीय शक्तियां उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार भी देती हैं। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना होता है, और संसद यह भी सुनिश्चित करती है कि सरकार ना तो गलत खर्च करे और ना ही ज्यादा खर्च करे। संसद यह सब बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के माध्यम से करती है। आप लोग कहते हैं कई बार कि सर मैं डायरेक्ट मैं टैक्स नहीं देता हूँ, आयकर नहीं देता हूँ, और मैं कहाँ सरकार से सवाल पूछ सकता हूँ। तो आप लोगों को एक बात बता दूं, देखिए इनडायरेक्ट कर हर कोई देता है, फिर चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो या बड़ा कोई घराना हो, बिजनेसमैन हो। तो आप समझिए कि जो भी सरकार काम धाम कर रही है वो आपके पैसे से ही चल रहा है, ठीक है। और आप देखते हो कि बजट प्रस्तुत किया जाता है आपका, फिर आर्थिक सर्वेक्षण भी आपके जारी किए जाते हैं। जो आप सिविल सर्विस के स्टूडेंट हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग काफी पढ़ते भी होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि पिछले साल का हिसाब भी दिया जाता है सरकार के द्वारा कि मैंने ये पिछले साल में किया, और नए साल के लिए एक तरह से तैयारी की जाती है। तो उसे बजट में भी आपने देखा होगा कि दिखाया जाता है कि अगले साल के लिए ये बजट दिया गया, इस क्षेत्र के लिए ये व्यवस्था की गई है, और यहाँ से आय इतनी हुई है, यहाँ से आय इतनी हुई है। समझ रहे हैं आप लोग? तो पूरी एक तरह से आप घर परिवार की तरह से समझ सकते हैं कि एक परिवार में आप लोग रहते हैं तो इनकम का भी हिसाब रखा जाता है, और जो आपकी खर्च होता है उसका भी एक तरह से हिसाब रखा जाता है, और जो मुखिया होगा वो हमें हमेशा इस तरह की बातें भी आप लोगों को भी बताता रहता है। इसमें कार्टून क्या कह रहा है, ए संसद हो गई, संसद एक हाकिम है और यहाँ मंत्रीगण बड़े दीन लग रहे हैं। विभिन्न मंत्रालयों को धन आवंटित करने की संसद की शक्ति का यह परिणाम है। कहने का मतलब है कि सभी मंत्री अपने अपने मंत्रालय के लिए पैसे की मांग करते हैं ना, अनुदान की, उसी की बात कर रहा हूँ। फिर आप देखते हैं प्रतिनिधित्व, संसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक और धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों पर प्रतिनिधित्व करती है। बहस का मंच, संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है और विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति का कोई अंकुश नहीं है। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता, और इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाली किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। यह विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है। एक तरह से आप समझिए कि डायरेक्ट हम आप 121 करोड़ की जनसंख्या आप कह सकते हैं हमारे यहाँ की, 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूं, अब तो बढ़ चुकी होगी। कोई निर्णय लेना है तो सभी 121 करोड़ जनसंख्या को शामिल कर पाना मुमकिन नहीं है, इसीलिए आपके जो भी चुने हुए प्रतिनिधित्व होते हैं वही भाग लेते हैं इसमें, और आप यही एक तरह से भरोसा करके चुनते हैं कि आपकी जो भी समस्याएं हैं और असली जो मुहिम मुद्दे हैं उन्हें उठाकर वो संसद में रखेगा, उस पर बहस होगी, उसके समाधान का कोई रास्ता भी निकाला जाएगा। ये अलग बात है कि आपका जो भी चुना हुआ प्रतिनिधि होता है लोकसभा या विधानसभा का सदस्य, वो मौज करता है, वो आपकी समस्याओं को अनदेखा करता रहता है। लेकिन इनका गठन, यानी कि कहने का मतलब कि इनका उद्देश्य यही था कि जो भी आपकी समस्या है उनका एक तरह से उन्हें मंच दिया जा सके, ठीक है। और क्या क्या इसके संसद के कार्य हैं? तो इसमें संवैधानिक कार्य की अगर बात करें तो संसद के बाद संविधान में संशोधन करने की भी शक्ति है, और संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियां एक समान है। प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी होता है, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा। आप लोग देखते भी रहते हैं कि समय समय पर संविधान संशोधन होते रहते हैं। एक काफी आप लोग चर्चित संविधान सुनते हैं, संशोधन 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। आप कहते हैं ना 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं। आप समझ रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था, 1976 की बात कर रहा हूं मैं। फिर आप देखते हैं 44वें संविधान संशोधन, ये वही संविधान संशोधन है जिसके द्वारा संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकारों की सूची में से हटा दिया गया था, ठीक है। फिर आप देखेंगे निर्वाचन संबंधी कार्यों की बात करें तो संसद चुनाव संबंधी भी कार्य करती है, या भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करती है। देखिए राष्ट्रपति का इस तरह से आप बात कर सकते हैं कि लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपकी विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य इनका चुनाव करते हैं, ठीक है। न्यायिक कार्य की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने के प्रस्ताव पर विचार करने के कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी आपके संसद के कार्य, इन सभी पॉइंटों को आप लोग याद रखिए।
या ऐसा करिए आप लोग कि वन लाइनर जो एक तरह से आपके पास पेज होगा ना, आप लोगों ने पेज रखे होंगे अपने आंसर राइटिंग के लिए, उसी पर आप लोग इन पॉइंटों को आप लोग लिख सकते हैं। बाकी इनका आप लोग विस्तार से बात कर सकते हैं जब भी अगर कहीं पूछता है तो। अगर हम बात करें राज्यसभा की शक्तियों की, तो ऊपर हमने संसद द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किया है, लेकिन द्विसदनात्मक विधायिका में दोनों सदनों की शक्तियां में कुछ अंतर भी देखने को मिलेगा। नीचे के दोनों चार्टों को ध्यान से देखें और एक में लोकसभा और दूसरे में राज्यसभा की शक्तियों की सूची दी गई है। इन दोनों को बड़े ध्यान से आप लोग पढ़िए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। यानी कि कहने का मतलब है कि आप अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए लोकसभा की शक्तियां क्या है, ये क्योंकि डायरेक्ट कई बार क्वेश्चंस बन चुके हैं आपके, कई बार इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, कई बार आपकी प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चंस बन जाते हैं। और मैं कहता हूं कि क्वेश्चंस ना बने तब भी आपको मालूम होना चाहिए ना कि राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं, लोकसभा की क्या शक्तियां हैं, आप इस भारत में रह रहे हैं ना। तो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनती है और धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों को विस्तृत और पारित करती है। कौन करता है? लोकसभा। वहीं अगर राज्यसभा की शक्ति की बात करें तो सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृत कर देती है लोकसभा। और यहां आप देखेंगे राज्यसभा की तो संवैधानिक संशोधन को पारित करती है राज्यसभा। आप देखेंगे लोकसभा में प्रश्न पूछ कर, पूरक प्रश्न पूछ कर, प्रस्ताव ला कर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियुक्त करती है। और आप अगर देखें राज्यसभा में तो प्रश्न पूछ कर, संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। लोकसभा की बात करें तो संविधान में संशोधन करती है। अगर राज्यसभा की बात करें तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव में भागीदारी करती है और उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। तो एक और आप लोग पॉइंट मिल चुका है आप लोगों को कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के मामले में अलग है, ऐसे कहीं भी लाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है कौन? लोकसभा। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है कौन? लोकसभा। समिति और आयोगों का गठन भी करती है, उनके प्रतिवेदनों पर विचार करती है कौन? लोकसभा। और राज्यसभा की बात करें तो यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। तो यही कार्य है आपके लोकसभा और एक तरह से राज्यसभा के पास शक्तियां, इन दोनों एक तरह से जो भी आपके डायग्राम बने हुए हैं उन्हें आप लोग याद रखिए, ठीक है, पैराग्राफ में। अब बात करते हैं राज्य की विशेष शक्तियों की कि राज्यसभा को आपकी कौन सी विशेष शक्तियां मिली हुई है, विशेष अधिकार इसके पास कौन कौन से हैं, उसके बाद हम लोग लोकसभा की बात करेंगे। आप जानते हैं कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है और इसका उद्देश्य राज्यों के हितों शक्तियों का संरक्षण करना है, इसलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले प्रत्येक मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय जिस पर केवल राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है को राष्ट्र हित में या संघीय सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक होती है और इस प्रावधान से राज्यसभा की शक्ति बढ़ती है। लेकिन अनुभव के आधार पर तो यही लगता है कि राज्यसभा के सदस्य अपने राज्यों से अधिक अपने अपने दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहने का मतलब है कि आप समझिए एक तरह से उत्तर प्रदेश से किसी को राज्यसभा के लिए चुना जाता है, आप समझिए आप लोग कि वो बीजेपी का है, तो याद रखिए वो बीजेपी के प्रति ज्यादा वफादार होगा ना कि उत्तर प्रदेश के, ये सामान्यता देखने को मिलता है। लेकिन अगर अपने वो कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं और अपना कर्तव्य निभाते हैं तो वो राज्य के प्रति वफादार रहेंगे ना कि अपनी पार्टी के प्रति, ठीक है। फिर अगर लोकसभा की अगर विशेष शक्तियों की बात करें तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकती है, केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वही उसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकते हैं, राज्यसभा के पास इस तरह का कोई विचार नहीं है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं, और अतः राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिए, कई बार आपका लोकसभा और राज्यसभा में अंतर करने के लिए आ जाता है या लोकसभा की विशेष शक्तियां लिखने के लिए अलग से कोई आ जाता है। आप देखते हैं बीपीएससी में 3 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, या फिर आपका सिविल सर्विस में राज्यसभा और एक तरह से लोकसभा दोनों में तुलना करने के लिए आ जाए, तो आप लोग इन्हें पॉइंट को लिख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि
ऐसा क्यों है? राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं, अतः संविधान ने राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां नहीं दी हैं। संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास अंतिम शक्ति होती है, और इस तरह के अनुसार जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही सरकार को हटाने और वित्त पर नियंत्रण रखने की शक्ति होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि आप समझिए, राज्यसभा का जो भी सदस्य है वो जनता के प्रति डायरेक्ट एक तरह से जवाबदेह नहीं है, लेकिन लोकसभा का जो सदस्य है वो जनता के प्रति जवाबदेह है। जवाबदेह कहने का मतलब क्या है? ऐसा है कि अगर आप देखेंगे कि अगली बार उसे आपके बीच ही आना पड़ेगा, 5 साल के लिए वो मान लीजिए चुन लिया गया है, 5 साल बाद तो आपके सामने आना होगा लोकसभा सदस्य को। अगर वो आपके प्रति वफादार नहीं रहेगा, जवाबदेह नहीं रहेगा, तो आप लोग उठान की कुर्सी से फेंक देंगे, ठीक है? इसलिए उनके लोकसभा के सदस्यों के पास एक तरह से या लोकसभा के पास विशेष अधिकारों कुछ ज्यादा ही है, ठीक है? इसके अतिरिक्त देखेंगे आप लोग की सामान्य और संविधानिक विधेयकों को पारित करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने और उपराष्ट्रपति को हटाने आदि के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान है, दोनों में लगभग बराबर दी गई है। जो तो लोकसभा का खजाने पर नियंत्रण है, इसलिए वह ज्यादा शक्तिशाली है। संसद कानून कैसे बनाती है आखिर? ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि संसद जो है आपकी, ये कानून आखिर कैसे बनाती है, प्रक्रिया क्या है? तो संसद का प्रमुख कार्य अपनी जनता के लिए कानून बनाना है। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून बनाने की विधियों में से कुछ का उल्लेख संविधान में किया गया है, लेकिन कानून बनाने की कुछ विधियां कालक्रम में लगातार पालन किए जाने के कारण स्वीकार क्या है? स्वीकार कर ली गई है। कानून बनने की प्रक्रिया में किसी विधेयक को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, और इन अवस्थाओं पर गौर करें, आपको साफ साफ पता लगेगा कि कानून बनाने की प्रक्रिया तकनीकी और कठिन है। और प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं, और विधेयक कई तरह के हो सकते हैं। देखिए, शुरू में जो भी प्रस्तावित कानून होते हैं शुरू में, उन्हें आप लोग क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। जब तक लोकसभा और राज्यसभा में रहते हैं तब तक क्या कहलाते हैं? विधेयक कहलाते हैं आपके। जैसे ही आप लोग देखेंगे कि जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, यानी कि सहमति मिलती है, ये बदल जाता है कानून में, यानी कि अधिनियम बन जाता है। विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि विधेयक, हर विधेयक कानून में नहीं बन सकता है, अधिनियम नहीं बन सकता है, लेकिन जो हर आपका अधिनियम होगा, कानून होगा, वो विधेयक की प्रक्रिया से जरूर गुजरा होगा, ठीक है? ये याद रखिए। यहां आप लोग देखिए, जनता की इच्छा, विधेयक, यहां विधेयक देख रहे हैं। विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो उसे किसी एक सदन में पेश किया जा सकता है। विधेयक समिति के पास भेजा जाता है या उस पर सदन में चर्चा होती है। समिति रिपोर्ट देती है, सदन पर इस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार करता है। सदन में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होती है। विधेयक या तो पारित होती है या रद्द हो जाता है। दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन पर सदन या तो इसे मंजूरी देता है या फिर इस पर सुझाव देता है। फिर आप देखेंगे, जरूरत पड़ने पर संसद की संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है, और राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देता है या उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। विधेयक कानून बन जाता है। ये क्या है? एक प्रोसेस है। यहाँ आप देखेंगे, विधेयक आएगा तो राज्यसभा में भी आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है। अगर वो आपका धन विधेयक है तो वो केवल लोकसभा में आएगा। कहाँ आएगा? लोकसभा में। अगर धन विधेयक नहीं तो उसके अलावा जो भी होगा तो दोनों सदनों में से किसी एक सदन में आएगा। फिर आप समझेंगे कि वो विधेयक समिति के पास भेजा जाता है, उस पर वहां सदन में चर्चा भी होती है। फिर आप देखेंगे, समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वो क्या, फिर क्या होगा? सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकता है, समिति की रिपोर्ट को। फिर सदन में विधेयक पर भी विस्तार से चर्चा होगी एक तरह से। फिर आप देखेंगे, विधेयक या तो पारित होता है या रद्द हो जाता है वहां। फिर आप देखेंगे, दूसरे सदन में भेजा जाता है, यानी कि मान लीजिए पहले लोकसभा में आया हुआ है, फिर आपका राज्यसभा में जाएगा। दूसरा सदन या तो उसे मंजूरी दे सकता है या उस पर सुझाव देता है। जरूरत पड़ने पर अगर दोनों में सुझाव नहीं मान हो रहे हैं तो संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है, ठीक है? इसकी अध्यक्षता बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है? फिर आपका अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों सहमत हैं तो फिर जाएगा आपका राष्ट्रपति के साहब के पास। राष्ट्रपति साहब के पास भी दो विकल्प हैं। एक तो इनके पास ये विकल्प है कि ये क्या करें कि डायरेक्ट इसे पास कर दें और कानून बन जाएगा, लेकिन ये पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं या फिर वीटो कर सकते हैं, ठीक है? और पुनर्विचार के बाद अगर दोनों सदन उसी तरह का बिल्कुल मतलब संशोधन किए बिना भेजती है तो फिर राष्ट्रपति को उस पर मंजूरी देना अनिवार्य होगा, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? विधेयक कानून बन जाता है, याद रखिए। ये आपकी प्रोसेस है।
मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को आप लोग निजी सदस्य का विधेयक कहते हैं, मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं, और विधेयक जिन चरणों से होकर होकर पारित होता है आइए उसे भी हम लोग देखते हैं। प्राइवेट बिल भी कह देते हैं ना आप लोग, तो कोई भी सदस्य ला सकता है प्राइवेट बिल, ठीक है। सामान्य आप देखते हैं कि वो विपक्ष का सदस्य लाता है या कोई निर्दलीय सदस्य एक तरह से वो भी लाता है। इसमें आप देखेंगे विधेयकों के विभिन्न प्रकार हैं, एक तो सरकारी विधेयक, निजी सदस्यों के विधेयक, गैर वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। याद रखिए विधेयक के विभिन्न प्रकार हैं। संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले ही इस बात पर काफी बहस होती है कि उस विधेयक की क्या जरूरत है। कोई राजनीतिक दल अपने चुनावी वादों को पूरा करने या आगामी चुनाव को जीतने के इरादे से किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकता है। अनेक हित समूह, मीडिया और नागरिक संगठन भी किसी विधेयक को लाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। अतः कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है, और विधेयक बनाने में अनेक बातों पर का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कानून को लागू करने के लिए जरूरी संसाधनों को कहां से जुटाया जाएगा, विधेयक का कितना समर्थन और विरोध होगा, प्रस्तावित कानून से सत्तारूढ़ दल की चुनावी संभावना पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खासतौर पर आज की गठबंधन सरकारों के युग में सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक को गठबंधन के सभी घटक दलों का भी समर्थन प्राप्त होना चाहिए, और इन व्यवहारिक बातों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। कानून बनाने का निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल इन सभी बातों पर विचार विमर्श करती है। जैसे आप समझिए अभी मोदी साहब की गवर्नमेंट है, अगर उन्हें 18वीं लोकसभा के चुनाव जीतना है तो इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे कि नए नए कानून लाएंगे जो एक तरह से दिखावा होंगे। आप समझ रहे हैं, कई बार आप देखते हैं कि जैसे आप मान लीजिए किसी गरीबों के लिए कुछ कानून की जरूरत है तो उस पर मीडिया भी सहयोग करती है, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं ना, हित समूह जिन्हें आप लोग संगठन भी बोल देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो ये भी काफी भूमिका निभाती है इसमें। आप समझिए कि वो लोग दबाव डालेंगे, मीडिया दबाव डालेगी सरकार पर, सरकार तब भी ऐसे कोई विधेयक लाती है, तो डायरेक्ट नहीं कह सकते लेकिन इनडायरेक्ट आपको इसमें देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट इनका भी योगदान देखने को मिलता है इसमें, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। और विचार विमर्श इसलिए भी होता है कि आप समझिए आप चुनाव जीतने के लिए कोई भी कानून लाएं, कोई भी प्रक्रिया करें, तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। बड़ा बवाल होता है लोकसभा हो या फिर राज्यसभा में, आप लोग देखिए कुर्सी फेंकी जाती है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, आप लोग देखिए हंगामा एक तरह से देखते भी रहते होंगे, ठीक है। एक बार जब मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकृति दे देता है जिस पर कानून आधारित होता है, तब विधेयक का प्रारूप बनाने का कार्य शुरू होता है, और विधेयक जिस मंत्रालय से संबंध होता है यानी कि संबंध रखता है वही मंत्रालय उसका प्रारूप बनाता है। उदाहरण के लिए लड़कियों के विवाह की उम्र यदि 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करनी है तो इसका प्रारूप विधि मंत्रालय बनाएगा, और इसमें महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की भी भागीदारी हो सकती है। आप लोगों ने देखा होगा ये उम्र बढ़ाने की बात चल भी रही थी, ठीक है, तो इन पॉइंटों को भी आप लोग याद रखा करिए। इसका प्रारूप कौन तैयार कराएगा, विधि मंत्रालय, कानून मंत्रालय, लेकिन इसमें एक तरह से भागीदार आपका महिला और बाल विकास बाल कल्याण मंत्रालय भी सहयोगी होता है, ठीक है। संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सदस्य इस विधेयक को पेश कर सकता है जिस विधेयक विषय का विधेयक हो उस विषय से जुड़ा मंत्री ही अक्सर विधेयक पेश करता है। किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। याद रखिए इसमें प्राइवेट बिल की अगर मैं बात करूं तो उसे देखिए जो सत्ता में कोई सरकार है, कोई पार्टी है, तो वो तो उसका मंत्री होगा ना, पर्टिकुलर किसी काम के लिए एक तरह से मंत्री उसने नियुक्त किया हुआ है, वित्त मंत्री हो गया, वित्त से संबंधित आपके धन से संबंधित जो भी काम है उनके लिए। तो जो प्राइवेट बिल होता है उसे आमतौर पर क्या होता है कि विपक्ष वाला या फिर कोई निर्दलीय सदस्य ही लाता है, ठीक है, क्योंकि इनके पास अपने है ना, वो सलाह लेकर कोई अगर किसी सदस्य के मन में, मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार है, अभी बीजेपी के किसी सदस्य के मन में कोई काम आ रहा है, उसे कानून बनाने की बात है, तो वो अपने जो भी मंत्री होगा उससे विचार विमर्श करेगा और बिल जो भी होगा उसे एक तरह से वहां रखवाएगा लोकसभा या राज्यसभा में। तो इतना याद रखिए, ठीक। विधेयकों पर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है और समिति की सिफारिशों को सदन को भेज दिया जाता है। इन समितियों में सभी सदस्य संसदीय दलों के प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और इस कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी आप लोग कह देते हैं, ठीक है।
यह कानून निर्माण की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। तीसरे और अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है। जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तब तो उसे दूसरे सदन में भी भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी वह इसी प्रक्रिया से गुजरता है जैसा कि पहले वाले से गुजरा है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि किसी विधेयक को लागू होने के लिए इसका दोनों सदनों में पास होना जरूरी भी है, लेकिन यदि प्रस्तावित विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो तो ऐसे में संसद के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाती है। पहले जब भी कभी भी ऐसे मतभेदों को सुलझाने के लिए संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, निर्णय हमेशा ही लोकसभा के पक्ष में गया हुआ व्यवस्था हो जाती है, ठीक है। लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या फिर संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन वह धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। यदि राज्यसभा की 14 दिनों तक उस पर कोई निर्णय ना ले तो उसे राज्यसभा द्वारा पारित भी मान लिया जाता है। विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं मान सकती है। धन विधेयक की बात करूं, अगर वित्त विधेयकों की बात करूं तो इसमें क्या रहता है, मान लीजिए कि लोकसभा ने कोई एक तरह से विधेयक पारित किया हुआ है, अब वो राज्यसभा में जाएगा तो यहाँ राज्यसभा के पास दो ही विकल्प है, या तो एक तरह से उसे पारित कर दे, स्वीकार कर ले, दूसरा है उसके पास क्या कि उसमें संशोधन कर दे, और संशोधन के बाद वो दोबारा कहां जाएगा, लोकसभा में। तो लोकसभा उस संशोधन को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है, और या राज्यसभा क्या करती है कि 14 दिन तक अगर अपने पास उस विधेयक को रखे रहती है तो यही मान लिया जाता है कि उसे पास मान लिया जाता है, ठीक है, राज्यसभा में। तो आप कह सकते हैं कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास कोई ज्यादा शक्ति नहीं है, एक तरह से उससे विचार विमर्श लिया जाता है, लेकिन उसके विचार विमर्श को मानने के लिए आपका लोकसभा बाध्य नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 109 की बात करें, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया एक धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये अनुच्छेद 109 कह रहा है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है तब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है। मैंने कहा ना कि जब लोकसभा में पहले होगा पास, फिर राज्यसभा, या पहले राज्यसभा लोकसभा में, फिर आपका राष्ट्रपति साहब के पास जाएगा, और राष्ट्रपति जैसे ही उस पर सहमति देगी वो कानून या अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। अब आप कहां से कहां पहुंच चुके हैं, कानून बना कि विधि के अध्ययन के बाद क्या आपको लगता है कि संसद विधेयकों पर विस्तृत चर्चा के लिए पर्याप्त समय दे सकती है, यदि नहीं तो इस समस्या के समाधान के लिए आप क्या सुझाव देंगे। काफी बहस होती है, देखिए याद रखिए हमेशा कि कोई एक दिन के लिए कानून नहीं बनाए जा रहे हैं। आप समझते हैं कि आज जो कानून बना दिया हो सकता है कि हजारों साल चलता रहे, हो सकता है कि कल उसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़े, इसलिए बड़े सुझाव, बड़े ध्यान दिया जाता है, बड़ा एक तरह से आपका ये विचार विमर्श चलता है, सभी सदस्यों की बातें सुनी जाती हैं, जो समितियां होती हैं वो भी अपना निर्णय देती हैं, वो भी कई प्रक्रिया से गुजरता है एक तरह से, इसलिए आप देखते हैं बहुत लंबा टाइम लगता है इसके लिए। आपने देखा होगा कि एक अध्यादेश आ जाता है राष्ट्रपति 123 के तहत, आर्टिकल 123, यानी कि कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत आपका कोई अध्यादेश लागू हो सकता है, पर उस पर बाद में बाद जो भी विचार विमर्श होता है चलता रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है आखिर, तो जिस दल या दलों के गठबंधन की को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। संभव है कि बहुमत की ताकत पाकर यह कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लगे, जिस तरह से आपने देखा है किसान कानूनों पर कि प्रधानमंत्री साहब के पास, नरेंद्र मोदी साहब के पास बहुमत है, तो वो इस समय किसी की सुनने के लिए एक तरह से सुनना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। आपने देखा है कि जैसे ही 17वीं लोकसभा की एक तरह से गठन हुआ, उन्होंने धड़ल्ले से कितने विधेयक पास किए, कितने कानून बनाए, कितने आपने देखा होगा एक तरह से निर्णय लिए, तो ये भी देखा जाता है। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकते हैं, जिसमें मंत्रिमंडल को जो कहेगा सदन वही को वही करना या मानना पड़ेगा। जब संसद सक्रिय और सचेत होगी तभी वह कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावी नियंत्रण रख सकेगा। अब देखिए आप लोग कि 3 कृषि कानून आए हुए हैं, आपने देखा है कि सरकार इस पर, मतलब आप समझिए कि कह रही है कि इसमें कुछ गलतियां रही हैं हमसे और हमें सुधार कर लेना चाहिए, और हमें एक तरह से आप कहिए कि सुधार करने के लिए तैयार भी हो चुकी है, और उसने ये भी मान लिया है, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा है कि हाँ हम लोगों से गलती हुई है, हमें किसानों से बात विचार विमर्श करना चाहिए
उसके बाद ही इन संशोधन इन विधेयकों को कानून बनाना चाहिए था या फिर अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ती। तो आप समझ सकते हैं कि एक किस बात का घमंड है, ये है आपका पूर्ण बहुमत होने का। अगर यहीं आप देखते हैं कि अगर गठबंधन की सरकार होती तो सभी पार्टियों की सहमति लेनी पड़ती, और सभी पार्टियों की सहमति लेनी पड़ती तो आप समझिए बड़ा विचार विमर्श होता उस बात पर कि ये किसानों के हित में है, इससे फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे। अभी तो आप देखेंगे कि उसके वो लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, उसके पास काफी अच्छी संख्या है, और राज्यसभा में क्या करता है कि वो व्यवस्था कर लेता है लगभग, ठीक है। संसद अनेक विधियों का प्रयोग कर कार्यपालिका को नियंत्रित भी करती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सांसदों विधायकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता हो। उदाहरण के लिए विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेषाधिकार के हनन के रूप मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति भी है। किसके पास? जो भी आपका विधायिका के अध्यक्ष होते हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष आप कह लीजिए, ठीक है। ऐसे विशेष अधिकारों का उद्देश्य यह है कि सांसद और विधायक अपनी जनता का ठीक से प्रतिनिधित्व कर सकें और कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण भी रख सकें। संसद यह नियंत्रण कैसे करती है, वह किन साधनों का प्रयोग करती है, क्या कार्यपालिका की ज्यादतियां पर संसदीय नियंत्रण सफल है। बात करते हैं संसदीय नियंत्रण के साधन क्या क्या है। आखिर संसदीय लोकतंत्र में विधायिका के अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करती है। यह काम नीति निर्माण, कानून या फिर नीति को लागू करने या फिर कानून या नीति के लागू होने के बाद वाली अवस्था यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। जैसे इसमें आप देखेंगे विधायिका यह काम कर कई तरीकों से कर सकती है, जैसे देखेंगे बहस और चर्चा, दूसरा आप देख सकते हैं कानूनों की स्वीकृति या फिर अस्वीकृति, तीसरा आप देख सकते हैं वित्तीय नियंत्रण, और चौथा देख सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव। ये भी आप समय समय पर सुनते रहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है, ठीक है। अगर बहस और वाद विवाद की बात करेंगे हम लोग, तो कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उसके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है। विधेयकों पर परिचर्चा के अतिरिक्त सदन में सामान्य वाद विवाद के दौरान भी विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिल सकता है। इसमें कुछ प्रश्नकाल भी होते हैं, इनके बारे में काफी आप लोग सुनते रहते हैं। जैसे प्रश्नकाल क्या है, आखिर संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। मान लीजिए आप कोई वित्त मंत्री के वित्त मंत्रालय में आप मंत्री हैं, ठीक है, तो वो सदस्य होंगे जो भी लोकसभा या राज्यसभा के, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे, उनका आपको जवाब देना होगा। एक समय आप देखते हैं कि शून्यकाल भी होता है, इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बात नहीं है, और लोकहित के मामले में आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव आदि होता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। संसद के सदस्यों ने प्रश्नकाल में गहरी रुचि दिखाई है और इस समय सदन में सबसे ज्यादा उपस्थिति रहती है। ज्यादातर प्रश्न लोक अभिहित और के विषयों जैसे मूल्य वृद्धि, अनाज की उपलब्धता, समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, दंगे, कालाबाजारी आदि पर सरकार से सूचनाएं मांगने के लिए होते हैं, और इसमें सदस्यों को सरकार की आलोचना करने और अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का अवसर भी मिलता है। प्रश्नकाल के दौरान वाद विवाद इतने तीखे होते हैं हो जाते हैं कि अनेक सदस्यों द्वारा अपनी बात रखने के लिए प्रयास ऊंची आवाज में बोलना, अध्यक्ष के आसन के पास चले जाना, सदन में बहिर्गमन करने जैसी घटनाएं देखी जा सकती हैं, और इससे सदन का बहुत समय बर्बाद भी हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी कदम सरकार से रियायत प्राप्त करने के राजनीतिक तरीके हैं और इससे कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। एक बात और आप लोगों को बताऊं कि अगर इस बहस के बारे में आप लोग और जानना चाह रहे हैं तो कभी आप लोग लोकसभा की जब भी बहस चल रही हो उस समय देखिए आप लोग कि किस तरह से ये लोग लड़ते हैं। आप देखते होंगे कि एक समय वो बच्चे लड़ते हैं ना कि कोई गेंद के लिए, उसी तरह ये भी लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। आगे आपका कानूनों की स्वीकृति या फिर अस्वीकृति। कानूनों को मंजूरी देने या ना मंजूर करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। इसके अधिकार के द्वारा भी संसद कार्यपालिका का नियंत्रण करती है। कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाता है। जिस सरकार को विधायिका में मन मापे बहुमत होता है उसके लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त करना कठिन नहीं होता है। जिस तरह से आप देखेंगे आपके जो प्रधानमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को
एक वही ज्यादा उस पर आप सोचिए कि उन्हें कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है, आराम से कोई भी विधेयक पास करवा सकते हैं। लेकिन यह मानकर नहीं चला जा सकता है कि यह स्वीकृति मिल ही जाएगी। इस सहमति के लिए शासक दल या गठबंधन के विभिन्न सदस्यों अथवा सरकार और विपक्ष के बीच गंभीर मोलतोल और समझौते भी होते हैं। यदि सरकार के पास लोकसभा में तो बहुमत हो पर राज्यसभा में ना हो, जैसा कि 1970 में जनता पार्टी और 2000 में राजद सरकार के दौरान हुआ, तब संसद के दोनों सदनों को स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफी रियायत देनी पड़ती है और अनेक विधेयकों मसलन लोकपाल विधेयक, आतंकवाद निरोधक विधेयक को राज्यसभा ने आज स्वीकृत कर दिया है। अब आप समझिए कि अगर राज्यसभा में प्रधानमंत्री साहब या बीजेपी के पास बहुमत ना होता, ठीक है, अगर जुगाड़ ना कर पाते वो, तो कृषि कानून क्या होते, रद्द हो जाते आपके, और रद्द हो जाते या फिर क्या किया जाता, इन पर कोई बीच का रास्ता निकाला जाता, बड़ा विचार विमर्श चलता। लेकिन अभी आपने देखा है कि वो व्यवस्था कर लेता है, तो राज्यसभा में वो व्यवस्था कर लेता है किसी भी तरह से, जोड़ मोड़ तरोड़ कोई ना कोई हथकंडा अपना के, इसलिए वो उसने ज्यादा बात विचार विमर्श की बात नहीं चली, बहुत जल्दी लागू हो चुके हैं। आप देखिए कितने जल्दी पास हो चुके हैं, तो ये भी देखने को मिलता है। पर आप देखें कि वित्तीय नियंत्रण, जैसा कि पहले हम कह चुके हैं कि सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के दौरान की जाती है और संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के खजाने पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है और सरकार के लिए संसाधन स्वीकृत करने से विधायिका मना कर सकती है, और ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है, फिर भी धन स्वीकृत करने से पहले लोकसभा सरकार द्वारा धन मांगने के कारणों पर चर्चा कर सकती है। वह भारत के नैतिक महालेखा परीक्षक और संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामलों की जांच कर सकती है। लेकिन संसदीय नियंत्रण का एकमात्र उद्देश्य सरकारी धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करना नहीं होता है, वित्तीय नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नीतियों पर भी नियंत्रण करती है। एक तरह से हमारे यहाँ जो आप देखते होंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करते हैं, इसमें बहुत कमियां हैं। आप समझिए एक बैंक में डकैती डल चुकी है, चोरों ने चोरी कर ली है, उसके बाद पुलिस पहुंची, ये इस एक तरह से आप कहिए कि जब घोटाला हो जाता है, जब धन का दुरुपयोग हो जाता है, तभी नियंत्रक महालेखा परीक्षक जाती है, अपना काम शुरू करती है। ऐसा नहीं कि ये पहले से ही इसको रोक दें, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन जब तक सरकार को अपने दल या अपने अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो, तब तक सरकार को हटाने की सदन की यह शक्ति वास्तविक कम काल्पनिक ज्यादा होती है। आप लोगों ने देखा होगा 16वीं लोकसभा में कि जो आंध्र प्रदेश की एक पार्टी थी, उसके द्वारा पहले बीजेपी का एनडीए का घटक थी, लेकिन बाद में उसने प्रस्ताव एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, लेकिन पास नहीं हो सकता था क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी के पास काफी अच्छा बहुमत है। लेकिन सन 1989 के बाद से अपने पिति सदन के अविश्वास के कारण अनेक सरकारों को त्यागपत्र भी देना पड़ा। इनमें से प्रत्येक सरकार ने लोकसभा का विश्वास खोया क्योंकि वह अपने गठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन बनाए ना रख सकी। अटल बिहारी वाजपेयी को आप देखते हैं ना कि 13 दिन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, 13 दिन में गिर गई थी उनकी सरकार। इस प्रकार संसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है और एक उत्तरदायी सरकार का होना सुनिश्चित कर सकती है, परंतु इसके लिए जरूरी है कि सदन के पास पर्याप्त समय हो, सदन बहस में रुचि रखती हो और उसमें प्रभावशाली ढंग से भाग ले और सरकार तथा विपक्ष में आपस में समझौता करने की इच्छा हो। पिछले 2 दशकों में लोकसभा और राज्यसभा राज्य विधानसभाओं के अधिवेशनों तथा इनमें होने वाली बहस पर खर्च किए जा रहे समय में उत्तरोत्तर गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे संसद के दोनों सदनों में गतिपूर्ण कोरम का अभाव और विपक्ष द्वारा अधिवेशनों के बहिष्कार जैसी समस्याएं भी रही है, जिसके बाद विवाद के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने की सदन की शक्ति प्रभावित हुई है। इसमें ह्रास देखने को मिला है एक तरह से। अब आप कहाँ पहुंच चुके हैं, खुद करें और खुद सीखें। क्या कर रहे हैं, दूरदर्शन पर संसद को कि आंखों देखे प्रसारण को 3 दिन तक लगातार देखिए, या फिर इस संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को 3 दिनों तक एकत्रित करें और इसे एक वाल पेपर पोस्टर तैयार करें और ऐसा करने में उन मुद्दों पर ध्यान दें जिन पर बहस हुई है, अध्यक्ष की क्या भूमिका रही है, कैसे प्रश्न पूछे गए, राजनीतिक दलों या आपके निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि की क्या भूमिका रही है, वाद विवाद में उठे मुद्दों की
प्रकृति कैसी थी या प्रकृति कैसी थी, क्या वे सभी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय थे। एक तरह से इनसे आपको मालूम चलेगा कि किस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, आपने जिसे अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है वो किस तरह के मुद्दे उठा रहा है। ठीक है, अब बात आती है संसदीय समितियां क्या काम करती हैं। आखिर आपने राज्यसभा भी देख लिया, लोकसभा भी देख लिया है, अब संसदीय समितियों के क्या काम है उन्हें भी देख लीजिए। संसद के 50 वर्ष, तुम्हें संसद से संबंधित कोई सवाल तो नहीं करना है, बताइए पिछले 50 वर्षों में संसद से कितने कितने वॉकआउट हुए हैं। देख लीजिए सांसद साहब को, सरकार से विरोध दर्ज कराने का एक आम तरीका सदन में वॉकआउट करना, या क्या यह काम जरूरत से ज्यादा हुआ है, कई बार हुआ है। विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन भी संसदीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। ये समितियां केवल कानून बनाने में ही नहीं वरन सदन के दैनिक कार्यों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चूंकि संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है, इसलिए उसके पास अत्यंत सीमित समय भी होता है और किसी कानून को बनाने के लिए उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना पड़ता है और इसके लिए उस पर ज्यादा ध्यान और समय देने की जरूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे कि विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों का अध्ययन करना, विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए खर्चों की जांच करना, भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल करना। संसदीय समितियां यह सब काम करती हैं। 1983 से भारत में संसद की स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है और विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 समितियां हैं। स्थायी समितियां विभिन्न विभागों के कार्यों, उनके बजट खर्च और उनसे संबंधित विधेयकों की देखरेख करती हैं। आप देखते होंगे, एक तरह से समझिए आप लोग, कि सदन कुछ समय के लिए चलता है और हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए और समय बंद भी हो जाए, रोकना पड़े उसे। तो इस समय आप देखेंगे समितियां जो होती हैं ये 12 महीने काम करती हैं, एक कभी छुट्टियां नहीं होती इनकी एक तरह से। तो आप समझिए काफी इनके पास टाइम रहता है, ये हर चीज पर एक तरह से विचार विमर्श करती रहती है। और मैं कहता हूं, जिस तरह से मैं कह रहा हूं ना कि कोई नियम कानून है उसे बनाने में सबसे बड़ी भूमिका एक तरह से आप कह सकते हैं सिविल सेवकों की होती है, जो भी अधिकारी गण हैं समितियां हैं उनकी होती है, लेकिन नाम किसका हो जाता है, सरकार का। आप सोचिए, एक 8वीं पास से एक संसद है, लोकसभा सदस्य मान लीजिए, वो क्या बन जाता है, वित्त मंत्री बन जाता है, उसे वित्त का भी अक्षर भी मालूम नहीं है। आप समझ सकते हैं कि उसके बारे में उसकी मदद करने के लिए जो भी सिविल सेवक, जो भी IAS अधिकारी या फिर स्टेट में देखते होंगे स्टेट अधिकारी जो भी होते हैं वो मदद करते रहते हैं। ठीक है, स्थायी समितियों के अतिरिक्त अपने देश में संयुक्त संसदीय समितियों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा अथवा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए किया जा सकता है। समितियों की इस व्यवस्था ने संसद का कार्यभार हल्का कर दिया है। अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को समितियों को भेजा गया है। संसद ने समितियों द्वारा किए गए काम में छिटपुट बदलाव करके उसको मंजूरी भी दी है। कानूनी नजरिए से देखो तो संसद की मंजूरी के बिना तो बजट पास हो सकता है और उन्हें और ना ही कोई विधेयक कानून बन सकता है, किंतु यह बात भी सच है कि समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को संसद शायद ही कभी नामंजूर करती है। यहाँ आप लोग देखिए क्या पॉइंट है, जहां तक विधायिका की प्रकृति का सवाल है तो उस पर कुछ प्रतिक्रिया बाधाएं देखें तो विधायिका पर कोई बाध्यता नहीं है, संसद अथवा विधायिका की संप्रभुता पर कोई सीमा नहीं है। ये कहा था किसने, NB गार्डगिल ने। ठीक है, ये संविधान सभा की बात विवाद में, आप समझ रहे हैं, 18 नवंबर 1949 जिस समय संविधान प्रोसेस में चल रहा था एक तरह से बनने की। अब बात करें संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है, इसे भी देख लीजिए आप लोग। हम पहले पढ़ चुके हैं कि संसद बहस मुबाहिसे का मंच है। बहस मुबाहिसे के जरिए ही सांसद अपने सभी जरूरी काम को अंजाम देती है। यह सार्थक और अनुशासित ढंग से होना जरूरी है ताकि संसद की कार्यवाही आसानी से चले और उसकी गरिमा बनी रहे। खुद संविधान में संसद की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलने के लिए प्रावधान भी बनाए गए हैं। सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है, यही देखरेख करता है एक तरह से, जो आपका अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा में जो भी कार्यवाही होगी, किस तरह से चलेगी, कौन सदस्य को कितना समय मिलेगा, किस तरह से बोलेगा, कितना टाइम मिलना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, ये सभी व्यवस्था कौन देखता है, अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, और जो लोकसभा अध्यक्ष होता है इसे किसके द्वारा चुना जाता है, लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है, याद रखिए, और लोकसभा सदस्य भी जो अध्यक्ष होता है वो भी सदस्य ही होता है, उन्हीं में से एक होता है। ठीक है, कार्टून बोझे वॉकआउट नहीं आउट किए गए हैं।
मतलब इन्हें हटाया गया है, अपने आप से नहीं छुड़ा है, यानी कि हमने इन्हें हटाया है। एक और तरीका, तरीके से भी सदन का अध्यक्ष अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, आपने शायद दल बदल निरोधक कानून के बारे में सुना होगा। विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के टिकट पर चुने जाते हैं। यदि चुने जाने के बाद वे अपनी अपनी पार्टी छोड़ना चाहें तो क्या होगा? स्वतंत्रता के काफी समय बाद यह समस्या बनी रही। अंततः दलों में इस बात पर आम सहमति बनी कि किसी दल के टिकट पर निर्वाचित विधायक या सांसद को दल बदल करने से रोका जाना चाहिए। इसके लिए आपने देखा होगा कि 1985 में संविधान का 52वां संविधान संशोधन किया गया और इसे दल बदल निरोधक कानून भी कहते हैं, और इसे बाद में 91वें संविधान संशोधन द्वारा दोबारा संशोधित किया गया। सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय भी देख रहा है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसे दल बदलू को किसी भी राजनीतिक पद जैसे मंत्री के लिए आयोग्य घोषित कर दिया जाता है। एक तरह से आप लोग समझिए इसे कि मान लीजिए कि बीजेपी से या कांग्रेस से कोई सदस्य चुना गया है, और ये 1985 के पहले आप लोग देखेंगे जब तक ये कानून नहीं आया हुआ था, इसका दुरुपयोग बहुत किया गया। मालूम चला कि कई धर्म एक तरह से अभी सुबह एक दिन में 3 से 4 पार्टियां बदल देते थे। सरकारें अस्थायी हो चुकी थी, कभी भी सरकार गिर सकती थी, कभी भी उठ सकती थी, कभी भी बन सकती थी। तो इन सभी परिस्थितियों को रोकने के लिए एक तरह से मालूम चला कि जनता ने वोट दिया इस पार्टी के नाम पर इस सदस्य को, और ये सदस्य क्या किया कि दिन में 3 पार्टियां बदल के डी पार्टी में पहुंच चुका है। तो इस परिस्थिति को रोकने के लिए एक तरह से एक कानून लाए, एक ये भी कई बार क्वेश्चंस आपका बन भी चुका है, ठीक है? तो इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिए, ये आपका कब आया था? 1985 में, ठीक है? 52वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है? दल बदल क्या है आखिर? यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो या फिर दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे दे तो उसे आप लोग दल बदल कह देते हैं। विगत यानी कि पिछले 20 वर्षों का अनुभव बताता है कि दल बदल निरोधक कानून दल बदल को रोकने में सफल नहीं हुआ है, लेकिन इससे किसी दल के प्रधान नेता व अध्यक्षों को विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये कानून आ चुका है तो इसका इससे रुक गया है दल बदल। अभी कुछ समय पहले एमपी में आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस के कुछ सदस्य विधानसभा सदस्य बीजेपी में मिल गए, और आप लोग क्या होता है कि इनका ऐसा नहीं है कि चलिए मान लीजिए आप लोग कांग्रेस की सदस्यता खत्म कर देंगे, वो बीजेपी से चुनाव लड़ लेंगे, जीत जाएंगे। मुझे लगता है कि इसका प्रावधान अगर इस तरह से हो जाता, देखिए मेरी अपनी राय है कि अगर एक पार्टी या जनता ने आपको चुना, आप बिक जाते हैं या आप पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं, तो आप कभी चुनाव ना लड़ पाए, जिंदगी में आप चुनाव नहीं लड़ सकते, तब तो मुझे लगता है कि जनता का भरोसा भी बना रहता है और पार्टी में बने रहते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद ये भी देखा जाता है, कहा जाता है ऐसा, कई एक तरह से महारत कहते भी हैं कि अगर ऐसा होता तो आप समझिए कि कांग्रेस गलत है, फिर भी उनके सदस्यों को उनसे बंधा रहना पड़ता। अगर वो इस तरह की प्रक्रिया में से बाहर निकलना चाहे, मान लीजिए कोई प्रस्ताव आया हुआ है वो गलत है, जनता के हित में नहीं है, फिर भी अगर कोई सदस्य उससे बाहर होना चाहे तब भी उसकी सदस्यता को एक तरह से खत्म कर दिया जाता, तो इसका दुरुपयोग भी देखने को मिलता है। लेकिन मैं बता रहा हूं ना आप लोगों को कि हर जगह दुरुपयोग देखा जाता रहता है। तो अब आप कहें कि एक तो दुरुपयोग के पीछे आप पूरा कानून ही ना बनाए तो ये तो गलत है ना, ठीक है? लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलता है इसका कि आपने संसद की कार्यवाही का टेलीविजन पर आंखों देखा प्रसारण देखा है, इसीलिए तो बोलता हूँ आपकी लोकसभा और राज्यसभा टीवी फॉलो किया करेगा, पीआईबी न्यूज फॉलो किया करेगा। आपको सदन में इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी वेशभूषाएं दिखाई देंगी जो देश के विभिन्न क्षेत्रों पर का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि आप देखेंगे दक्षिण भारत में पहनावा अलग है, उत्तर भारत में अलग है, पूर्वी भारत में अलग है, पश्चिम भारत में अलग है, हर जगह से लोग आते हैं और इकट्ठे बैठते हैं, और एक तरह से इससे कहते हैं कि हमारी एकता कायम होती है, राष्ट्रवाद को एक तरह से बढ़ावा मिलता है। सदन की कार्रवाई के दौरान सदस्य भिन्न भिन्न भाषाएं बोलती हैं, वे विभिन्न जाति धर्म और सदस्य संप्रदायों से आते हैं, वे प्रायः एक दूसरे पर प्रबल विरोध करते हैं। अनेक अवसरों पर ऐसा लगता है कि वे देश का समय और धन बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन पीछे इस अध्याय में आपने देखा है कि यही सांसद कार्यपालिका की प्रभावी ढंग से नियंत्रित भी कर सकती है।
वे हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के हितों की भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अपनी खास बनावट के कारण संसद सरकार के सभी अंगों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्मक है और संसद में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की मौजूदगी होती है। इससे संसद द्वारा प्रतिनिधित्मक हो जाती है। इस कारण संसद जनता की इच्छाओं के अनुरूप चलती है तो जनता की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होकर काम करती है और इसलिए करती है कि आप देखेंगे अगली बार तो आ गए ना हमारे बीच वोट मांगने के लिए, तो हम अगली बार देख लेंगे अगर हमारे जो भी काम रहे समस्याएं रही उनका निदान आपने नहीं किया था। संसदीय लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली यह विधायिका अत्यंत शक्तिशाली और उत्तरदायी संस्था है और यही संसद की लोकतांत्रिक शक्ति का आधार है और यही आपका विधायिका का काम है, यही विधायिका की कहानी है। ये पांचवा चैप्टर आपका खत्म होता है। आगे का चैप्टर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, छठवा। क्या कौन सा चैप्टर है? न्यायपालिका। मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए। इसकी जो भी पीडीएफ है उनकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, आप अपने आप से भी पढ़िए लेकिन पढ़िए जरूर, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, भी आप लोग देखते रहिएगा आराम से बैठ के, ठीक है। अगर बुक्स की व्यवस्था है तो आप लोग खरीद के रख लीजिए, अगर बुक्स की व्यवस्था नहीं है आपके आसपास तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और अपने फोन में रखिए और समय समय पर इसके दर्शन एक तरह से करते रहिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले अध्याय में।